असलकम स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हमने बाकी क्लास में स्टडी करना है वो है रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन का जो सिस्टम है ये इवन सेक्शन के स्टूडेंट्स का रह गया था तो इस वजह से जो है वो रेस्परेशन इज़ दी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कम्पाउंड एट रिलीज एनर्जी जैसे आपने फोटोसिंथसिस में हमने पढ़ा था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो यूज होती है और स्टोर हो जाती है इन दॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कम्पाउंड जो कि शुगर था तो ये इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करते हैं यानी दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन ठीक है तो स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने बताया रेस्पारेशन की टू टाइप्स हैं एक्सटर्नल रेस्पारेशन एंड सेलुलर रेस्पायरेशन सेलुलर रेस्परेशन की रेस्परेशन uh, की टू टाइप्स हैं एक्सटर्नल रेस्परेशन एंड सेकंड वन इज सेलुलर रेस्परेशन जी एक्सटर्नल रेस्परेशन वही स्टेप है जिससे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्परेटरी गैसेस कहते हैं यानी ऑक्सीजन जो है वो इन्हीशन के प्रोसेस में सेल uh, के अंदर चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से uh, बाहर uh, आ जाती है तो ये एक्सटर्नल रेस्परेशन इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्परेटरी गैसेस सेकेंड जो मेन टाइप है सेलुलर रेस्परेशन जो हम इस चैप्टर का जो पार्ट है बेसिकली डैट इज़ द सेलुलर रेस्परेशन जिसमें जो ग्लूकोज जो फ्यूल है डेट इज बर्ंड ठीक है डेट इज़ बर्ंड एंड रिलीज एनर्जी तो ग्लूकोज की जो बर्निंग है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एबसेंस में भी हो सकती है जैसे विद ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन ठीक है ग्लूकोज इज द फ्यूल विच इज यूज इन दिस इज मेटाबोलाइज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन और एंड प्रोडक्ट इज का है पायरुविक एसिड ठीक है ये जो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है ठीक है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो ये साइकिल है और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो ये दो टाइप का हो सकता है या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन ठीक है तो इन दोनों ही चाहे एरोबिकली ब्रेक डाउन हो रही है या एनारोबिक हो रही है ए जो है वो प्रोड्यूस होती है ठीक है यहाँ आपको जो है वो एनारोबिक रेस्पेरेशन की टाइप्स दिखाई हुई हैं दो टाइप्स हैं एनारोबिक रेस्पेरेशन की एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ठीक है जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एन जो है यहाँ पर एन जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ठीक है तो प्रेटिव सेल्स यानी जो पुराने एवोल्यूशनरी रेफरेंस से यहाँ बात की हुई है कि जो सिंपल सेल्स हैं प्रेमेटिव सेल्स हैं और कुछ यूकैरियोटिक सेल जैसे कि यीस्ट जो है उनके अंदर ये अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ठीक है दूसरी जो टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें जो पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है फिर आ जाती है हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन ठीक है एरोबिक रेस्परेशन टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है पावर हाउस है हमारे सेल का ये हम प्रीवियस फोर्थ चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये क्या करता है कि एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करवाता है तो इस वजह से इसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं अब एटीपी के बारे में यहाँ ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि ए क्या है डिनोसिन ट्राईफॉसफेट एक न्यूक्लियोटाइड की टाइप है जिसके अंदर ए क्या है न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडीनिन नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है राइबोस फाइव कार्बन शुगर और थ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसको हम ट्राई कहते हैं ठीक है तो ये क्या है दिस इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल ठीक है ये साइकिल दिखाया हुआ आपको कि एटीपी जो है वो एडीपी में एंड अगेन एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है जब ये फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक डाउन होता है ठीक है यानी ये जो थ्री फॉस्फेट है एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज्ड हुआ है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ठीक है दिस एनर्जी इज़ यूज बाय सेल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड दिस ए टी पी इज़ कन्वर्टेड इन टू ठीक है डाईफॉसफेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अगेन जो है ये फॉसफेट ग्रुप ऑर्गेनिक फूड से आएगा एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और दोबारा से ये ट्राई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो ये साइकिल है जो ए टी पी और ए डी पी से तो ये साइकिल जो है कंटीन्यूसली हमारे सेल्स के अंदर रह, चलता रहता है एक फॉस्फेट ग्रुप की ब्रेक डाउन से 7.3 पॉइंट थ्री किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डैट इज कैटेलाइज बाई डीहाइड्रोजीनियज एंजाइम ठीक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की ये टाइप है जिसमें जो है डी हाइड्रोजीनीस एंजाइम जो है वो यूज होते हैं नेक्स्ट आपके पास सेलुलर रेस्पायरेशन आ जाता है इसकी फोर फेजिज हैं फोर स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन क्रैप साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल एंड फोर्थ वन इज रेस्पायरेटरी चेन ठीक है ये है हमारे सेलुलर के फेसेस सब इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं पहले आपके पास है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस क्या है दिस इज दी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू दी फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड ग्लाइको मीन्स ग्लूको एंड लाइसिस मीन डाउन यानी दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अब ये जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की डायट कैन बी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम एरोबिक रेस्परेशन की कंडीशन कहेंगे एंड डैट में बी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसे एनारोबिक कंडीशन कहेंगे पीछे हम डाइग्राम में ये स्टडी करते आए हैं देखते आए हैं कि ये जो है एरोबिकली भी मेटाब्लाइज uh, हो सकता है और एनारोबिकली भी हो सकता है दोनों तरह की कंडीशंस में जो एंड प्रोडक्ट है डैट इज दायरुविक एसिड ठीक है अच्छा यहाँ पर जो है हर स्टेप में ब्लाइकोलाइसिस uh, का जो हर स्टेप है उसमें एक स्कीम ऑफ एंजाइम्स हैं यानी जो हर रिएक्शन है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से जो है वो कैटेलाइज होता है बेसिकली इस पूरे स्टेप को जो है नाइन इसके स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के जिसको टू फेजिस में डिवाइड किया गया है प्रिपरीटरी फेस और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फेज ठीक है प्रिपेटरी फेज ये वो फेज है जिसमें ए टी पी यूज होता है और ऑक्सीडेटिव फेस जिसे हम पे ऑफ फेस भी कहते हैं ये वो फेज है जिसमें ए टी पी जो है वो जनरेट होती है ठीक है अपनी बुक में इसका साइकिल की जो है वो डायग्राम आप फिगर देख सकते हो कि ग्लूकोज जो है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के जो फेजेस हैं हम बात कर रहे थे कि टू फेजेस में डिवाइड किया है फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज सेकंड इज ऑक्सीडेटिव फेस प्रिपरेटिव फेस वो है जिसमें जो एटीपी यूज्ड हो रही है और ऑक्सीडेटिव फेस में एटीपी रिलीज्ड रिलीज हो रही है फर्स्ट स्टेप जो है डेट इज़ द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एटीपी यानी फॉस्फोरिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इट मीन्स के ए इज़ एडिड इन दिस ग्रुप दिस ए टी पी मॉलिक्यूल इज अटैच विद ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इस स्टेप को हम फॉस्फो रिलेशन का स्टेप भी कहते हैं ठीक है और ये जो रिएक्शन है ये जो स्टेप है जिससे एंजाइम से कैटेलाइज होता है इसे हम कहते हैं हैक्सो काइनेज हैक्सो काइनेज ठीक है तो इसको चाहे आप पॉइंट्स के साथ हेडिंग देकर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ये फर्स्ट जो स्टेप है दिस इज दॉस्फो रिलेशन स्टेप सेकेंड जो स्टेप है दैट इज़ द आइसोमराइजेशन स्टेप इन विच ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है आपको पता है कि ग्लूकोज भी सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर है और फ्रक्टोज भी सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर है फंक्शन डिफरेंट इनमें जो है डिफरेंस जो इनमें है बेसिकली वो इनके फंक्शनल ग्रुप का है ठीक है एक एल्डिहाइड कार्बन है दूसरी जो है वो कीटो शुगर है तो ये एक दूसरे के आ, जो है वो आइसोमर्स हैं तो इसी बेस पर जो है इस स्टेप को हम आइसोमराइजेशन का भी नाम देते हैं और जो एन रिएक्शन जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वो है फॉस्फो आइसोमेरेस स्टेप है ठीक एंजाइम्स uh, है ठीक है थर्ड जो स्टेप है उसमें ये फ्रक्टो सिक्स फॉसफेट इज़ कन्वर्टेड इंटू फ्रक्टोस वन सिक्स बिस फॉस्फेट यानी एक और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पर आकर अटैच हुआ है ठीक है हम देख सकते हैं कि एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ है और जो ए फ्रक्टोसिक्स uh, फॉस्फेट थी वो फ्रक्टोस वन सिक्स बिज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गई ये भी फॉसफोरिलेशन का स्टेप है थर्ड स्टेप को भी आप फॉस्फोरिलेशन का ही नेम देंगे अब जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप जो है ये इकट्ठा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है फोर्थ स्टेप जो है दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इसमें क्या हुआ है कि जो फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फॉस्फेट है एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन इन दिस स्टेप वन इज डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और सेकेंड इज़ ग्लिस्ट्रेलडीहाइट थ्री फास्फेट लेकिन आ, जो फिफ्थ स्टेप है उसमें ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉसफेट है दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लिस्ट्रेलडीहाइट थ्री फॉस्फेट यानी अब हमारे पास ग्लिसलडीहाइड थ्री फास्फेट ठीक है टू मॉलिक्यूल्स हैं जो फर्दर इस ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के अंदर जो है प्रोग्रेसड होंगे ठीक है तो ग्लिसीहाइट इस स्टेप को जो है फोर्थ स्टेप को हम नेम देंगे रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और ये जो एंजाइम इसको कैटेलाइज कर रहा है वो है एल्डोलेस और फिफ्थ स्टेप जो है दिस इज आल्सो द एसोमराइजेशन स्टेप बिकॉज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसलडी हाइड थ्री फॉस्फेट ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो जो फिफ्थ स्टेप है दिस इज दी कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट इंटू ग्लिस्ट्रेलडी हाइड थ्री फॉस्फेट ठीक है तो फिफ्थ स्टेप कौन सा है आइसोमराइजेशन स्टेप है अब जो, जो, जो सिक्स स्टेप है दिस इज दी ऑक्सीडेशन स्टेप अब हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिस्ट्रेलडी हाइड थ्री फॉस्फेट जी थ्री पी है वही जी थ्री पी है जो आपने फोटोसेंथिस में भी पढ़ी थी फोटोसेंथिस के जो कैलवन साइकिल था उसमें आपने देखी थी ठीक है तो ग्लिस्ट्रल्डी हाइड थ्री फॉस्फेट के टू मॉलिक्यूल हैं जो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अलग अलग जो है इसके कन्वर्यन दिखाई हुई है कि ग्लिस्ट्रेलडी हाइड थ्री फॉस्फेट ऑक्सीडाइज इन टू वन थ्री बिज फॉस्फोर ग्लिस्टरेट ठीक है फॉस्फेट इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ग्रुप है वो यहाँ पर ऐड हुआ है ठीक है आगे आ, यहाँ पर भी जो है एन ए डी एच जो है वो जनरेट हुआ, हुआ है प्रोड्यूस्ड हुआ है ठीक है टू मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी एच आर प्रोड्यूस ठीक है सेवन स्टेप जो है दिस इज जनरेशन ऑफ ए टी पी स्टेप इस स्टेप में क्या हुआ है कि वन थ्री बीस इज कन्वर्टेड इनटू थ्री फॉसफोगट जिसे हम थ्री पी जी बी कहेंगे ए डी पी इज कन्वर्टेड इंटू ए डी पी ठीक है एट स्टेप क्या हुआ है एट स्टेप में जो है थ्री फॉस्फोगट इज कन्वर्टेड इंटू टू फॉस्फोगट बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ठीक है आप देख रहे हो कि थ्री फॉसफोग इज कन्वर्टेड इंटू टू फॉसफोगट इन द नेक्स्ट स्टेप नाइंथ स्टेप में क्या हुआ है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एंड टू फॉस्फोग्लिसरेट इज कनवर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट टू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट इज नेक्स्ट कनवर्टेड इनटू एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच इज पाइरूवेट अगेन दिस इज द जनरेशन ऑफ एटीपी स्टेप यानी टू मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर कंज्यूम्स एंड फोर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर जनरेटेड इन स्टेप्स ठीक है सो नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बिकॉज दिस टू एटीपी दैट डेट इज जनरेटेड इन स्टेप्स इज अगेन यूज इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ठीक है ये आपकी असाइनमेंट्स है बच्चों कल के लिए कि आपने जो है इस पूरे जो आज हम सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें आपने कैलकुलेट करना है कि हाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर जनरेटेड इन ओवरऑल सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस ठीक है ग्लाइकोलाइसिस की समझ आ गई है ग्लाइकोलाइसिस के बाद नेक्स्ट जो सेलुलर रेस्परेशन का स्टेप है डैट इज़ दायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में क्या है कि जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था दिस इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए अब ये एसिटाइल को ए में कैसे कन्वर्ट पायरुवेट इज फर्स्ट पायरुविक एसिड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दिस इज फर्स्ट चेंज इनटू टू कार्बन एसिटिक एसिड पायरुविक एसिड थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है जबकि एसिटिक एसिड टू कार्बन मॉलिक्यूल है दिस एस्टिक एसिड विच इज टू कार्बन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द को एनजाइम एंड इट इज़ कन्वर्टेड इन टू एसीटाइल को ए ठीक है यानी ये जो साइकिल है दिस बिगेन विद टू कार्बन यूनिट फ्रॉम एसीटाइल को ए ठीक है अब ये जो एसीटाइल को ए प्रोड्यूस हुआ है दिस इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ सेलुलर एस्परेशन विच इज क्रैप साइकिल या इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इनिशियल जो रिएक्टेंट है साइकिल का वो एसिटिक एसिड था ठीक है जैसे हमने बात किया कि जो पायरुविक एसिड है दिस इज कन्वर्टेड इन टू एसिटिक एसिड सो एसिटिक एसिड की इनकॉर्पोरेशन की वजह से इस साइकिल को जो है वो हम एसिटिक एसिड सीट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और क्रैप साइकिल क्यों कहते हैं ऑन दी नेम ऑफ बायोकेमिस्ट हु डिस्कवर्ड इट ठीक है, है बेटे जो ग्लाइकोलाइसिस था यहाँ पर ये बताना चाहूँगी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है दिस टेक्स इन दी यहाँ ये कलरफुल uh, डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है दिस टेक्स इन दी साइटोसोल ठीक है यानी ये प्रोसेस जो है वो सेल आ, उसमें हो रहा है साइटोप्लाज्म में उसके बाद आपको दिखाया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया है बाकी जो पायुर्वेद से एसिटाइल को ए देन इस एसिटाइल को एक ही में एडिशन और क्रैप साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इसकी इनकॉर्पोरेशन है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ठीक है तो इस बात को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है दिस टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म और बाकी जो थ्री फेजेस हैं सेलुलर रेस्पायरेशन के दिस टेक्स प्लेस इन दी माइटोकोंड्रिया ठीक है यहाँ आपको दिखाया हुआ है इस डायग्राम से आपको ये याद रहेगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और बाकी तीनों जो स्टेप्स हैं प्रोसेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं ठीक है सो so, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रैप साइकिल क्रैप साइकिल जैसे अभी हमने बात की है कि दिस स्टार्ट फर्स्ट स्टेप इन दिस साइकिल इज़ द यूनियन ऑफ एसिटाइल को विद ऑगजाइलो ये ऑक्जाइलो जो है प्रीवियस जो साइकिल है वहाँ से जो है वो प्रेजेंट है तो आ, दिस एसीटाइल को ए इस रिएक्ट विद ऑक्जाइलो एसिटेट टू फॉर्म सिट्रेट ठीक है सिट्रेट इज सिक्स कार्बन कंपाउंड ठीक है दिस सिक्स कार्बन सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर फॉर्म आइसोमेरिक फॉर्म विच इज आइसोसिट्रेट ठीक है ये भी सिक्स कार्बन है लेकिन सिट्रेट इज कन्वर्टेड इंटू आइसोसिट्रेट नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आइसो मॉलिक्यूल ऑक्जेलो दिस आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इन नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है कि आइसोसिट्रेट इज़ कन्वर्टेड इन टू एल्फा किटोगलूट्रेट ठीक है इस स्टेप में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और एन जो है वो जनरेट हुई है इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव डी भी कहते हैं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन uh, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुई और डी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर रिमूव हुई है यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिमूव हुई है नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि अल्फ़ा किटोगलूट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू टू सक्सीनेट एंड दिस इज आल्सो ऑक्सीडेटिव डी प्रोसेस क्योंकि एन का मॉलिक्यूल जो है वो अगेन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हुई है और दूसरा जो यहाँ पर मेन प्रोसेस हो रहा है वो है जनरेशन ऑफ ए एंड जी ठीक है ये जी जो यहाँ पर जनरेट हुआ है दिस इज़ यूज इन दी अगेन जनरेशन ऑफ ए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि सक्सीनेट uh, इज़ कन्वर्टेड इन टू फ्यूमरेट ठीक है दिस स्टेप ये वो स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्लेस एंड फ्यूमरेट इजरेट लेकिन यहाँ पर जो को एनजाइम था वो एन ए डी एच नहीं था बल्कि एफ ए डी था फ्लैवन एडिनिन डायन्यूक्लियोटाइड फ्यूमरेट के बाद वाटर uh, के एडिशन के बाद मैलेट प्रोड्यूस हुआ है मेरी कॉल करती हूँ ट्रैपसाइकल दोबारा से एक बार कैसीटाइल को एंजाइम आफ्टर एंट्रिंग इन टू माइटोकॉन्ड्रिया कंबाइंड विद ऑक्साइलो एसिटेट टू फॉर्म सिट्रेट ठीक है देन दिस सिट्रेट सिक्स कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्ट इन टू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म विच इज आइसोसिट्रेट नेक्स्ट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट इन टू अल्फा carbon dioxide is released and hydrogen is also released so this phase is known as the oxidative decarboxylation step next step is the conversion of alpha ketoglutarate into succinate this is also oxidative decarboxylation step ठीक है यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एन ए डी एच इज़ प्रोड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ठीक है और ए टी पी भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ सिक्सिनट इंटू फ्यूमरेट अब यहाँ देखें कि एक कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स कार्बन से जो है हमारा ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था देन आफ्टर रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ कन्वर्टेड इंटू फाइव कार्बन ठीक है अगेन वन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एट दिस फेस एंड इट इज़ कन्वर्टेड इन टू फोर कार्बन कम्पाउंड ठीक है अब ये फोर कार्बन कम्पाउंड ही से जो है आगे हमारा जो रिएक्शन है जो साइकिल है वो कंटिन्यू हुआ है सेक्सीनेट इज़ कन्वर्टेड इंटू फ्यूमरेट दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेप लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीड यहाँ पर जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग को एनजाइम है वो क्या एफ ए डी ए है ना कि एन ए डी ठीक है तो एफ ए डी एच जो है डी एच टू जो है यहाँ पर जनरेट हुआ है फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इन टू मैलेट बाई एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ठीक है दिस मैलेट इज कन्वर्टेड इन टू एसीटेट ठीक है बेटे ऑक्जैलो एसीटेट जो है दिस इज नाउ रेडी टू एंटर दिस एंटर दैनदर साइकिल एंड दिस होल प्रोसेस इज रिपीटेड ठीक है ये ऑक्जैलो एसिटेड वो ही फोर कार्बन है जिससे जो है साइकिल स्टार्ट हुआ था हमारे पास आती है रेस्पायरेटरी चेन ठीक है लास्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन इज रेस्परेटरी चेन रेस्पायरेटरी चेन जो है इसके जो कम्पोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसी तरह जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी थी लेकिन इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेस्पिरेटरी चेन क्या है बेसिकली जो एन और हाइड्रोजन आइन क्रैप साइकिल में प्रोड्यूस हुए थे वो रेस्पिरेटरी uh, चेन को जो है वो ट्रांसफ़र हो गए जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो है को क्यू सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स जिसके कंपोनेंट हैं बी सी ए एंड ए थ्री एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन साइटोक्रोम क्या है साइटोक्रोम्स आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट दैट कंटेन हीम ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट अंडर वैलेंसी चेंज ऑफ आयरन एटम ठीक है ये uh, प्रम प्रोटीन uh, है जिसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो आयरन है उसी तरह से जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है या हमने जो क्लोरोफिल है उसमें देखा था कि सेंटर एटम मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो ये वो प्रोटीन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जिसके अंदर आयरन जो है एज अ सेंटर प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है uh, अब यहाँ पर इस डाइग्राम में आपको जो है वो रेस्पिरेटरी uh, चेन का पाथवे बताया हुआ है के को एंजाइम क्यू जो इलेक्ट्रॉन्स हम जो इलेक्ट्रॉन्स क्रैप साइकिल से आए थे वो यहाँ पर एन से यानी जो प्रोटॉन्स आए थे वो को एंजाइम क्यू को ट्रांसफ़र हुए हैं को एंजाइम क्यू ने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइटोक्रोम बी को साइटोक्रोम सी को साइटोक्रोम ए को देन साइटोक्रोम ए थ्री को और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन इनहेल की थी उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहे हैं ठीक है सो एन ए डी एच इज फर्स्टली ऑक्सीडाइज दिस को स्टेप रिलीज एनर्जी ठीक है दिस एनर्जी इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं कि ए टी पी इज़ जनरेट जब जो एन ए डी एच ऑक्सीडाइज हुआ है को एनजाइम क्यू से तो एनर्जी इज जनरेटेड बाय ए टी पी ठीक है नेक्स्ट आपको ये देखें नेक्स्ट स्टेप में दिखाया हुआ है कि जो को एनजाइम क्यू दिस इज अगेन ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम बी एंड विच इज़ देन ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम सी ठीक है इन इन uh, दोनों स्टेप में जो है एनर्जी uh, जो है वो रिलीज हुई है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी टीपी यहां आपको दिखाया हुआ है ठीक है साइटोक्रोम सी इज देन रिड्यूज बाय टू एंजाइम साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री ठीक है इनको कलेक्टिवली हम जो है साइटोक्रोम ए भी कहते हैं इन दोनों को साइटोक्रोम ए इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन के एटम से ऑक्सीडाइज हुई है एंड अलेक्ट्रॉन डेट अराइव एट द बॉटम ऑफ द रेस्परेटरी चेन इट अगेन जनरेट मॉलिक्यूल ऑफ ए ठीक है ऑक्सीजन जो है ये हमें पता है कि दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस एंड फाइनल असेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस रेस्पायरेटरी चेन में ट्रांसफ़र हो रहे थे ठीक है फोटोसिंथेसिस को ज़रा रिकॉल करें उसमें भी आपने उसकी रेस्पाइरे फोटो सिंथिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आपने यही देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे ठीक है तो यहाँ जो रेस्पाइरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें भी आप यही देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन से जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे ये टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आपको दिखाए हुए हैं कि ये पूरी रेस्पिरेटरी चेन से ट्रांसपोर्ट होकर पूरी रेस्पिरेटरी चेन से ट्रांसपोर्ट होकर क्या जनरेट कर रहे हैं ए ठीक है ATP, और यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी चेन में थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आर प्रोड्यूस ठीक है लाइकोलाइसिस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्रोड्यूस हुए थे रेस्परेटरी चेन में आपके पास थ्री मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं अब ये जो रेस्पिरेट यहाँ पर हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है ठीक है अब नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन फॉस्फोरिलेशन की टर्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस इज़ सिंथेसिस ऑफ एटीपी और अगर ये एटीपी की सिंथेसिस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो इसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इस ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है ये वही है केमीओसमोसिस जो हमने आ, जी इस आ, आ, जो ए की सिंथेसिस का प्रोसेस वही है जो केमियोसमोसिस हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था ठीक है ये देखें शॉर्टकट आपको दिखाया हुआ है कि क्रैप साइकिल है इसमें आपको जो है वो टू ए प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन केमियोसमोसिस के थ्रू हो रही है यहाँ आपको टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए दिखाई हुई है इस डाइग्राम में कि ग्लाइकोलाइसिस यील्ड नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी टी टू है ठीक है क्रैप साइकिल से जो है नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है वो है टू है ठीक है और भी आप कहेंगे कि इस स्टेप पे भी एटीपी टी जनरेट हुए हैं उस स्टेप पर भी हुए हैं लेकिन वो एटीपी अगेन यूज भी हुए हैं तो हम नेट गेन ऑफ नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी की बात कर ए की बात कर रहे हैं तो वो साइकिल uh, में टू है और केमीओसमोसिस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो नेट प्रोडक्शन ऑफ ए है वो थर्टी टू है थर्टी टू ए ठीक है बेटे अब ये थर्टी टू ए जो हैं ये ओरिजिनल ए की फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं हुए जो एन है या एफ है इनकी भी फर्दर ब्रेकडाउन से हमारे पास ए टी पी प्रोड्यूसड होते हैं एन ए डी एच की ऑक्सीडेशन से यानी एन ए डी एच की जो ब्रेकडाउन से हमारे पास टू पॉइंट फाइव ए टी पी के मॉलीक्यूल जनरेट होते हैं यानी एक एन ए डी एच का मॉलिक्यूल जो है वो जब टूटता है उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो टू पॉइंट फाइव ए टी पी जनरेट होते हैं और जबकि एफ़ ए डी एच टू जो हमने क्रैप साइकिल में पढ़ा है कि देखा है कि जब सक्सीनेट मैलेट की फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो एफ ए डी एच टू का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है तो इस एक एफ ए डी एच टू की ब्रेक डाउन से वन पॉइंट फाइव ए टी पी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं तो इन सब को हम टोटली totally काउंट करें तो ये हमारे पास थर्टी टू ए टी पी आते हैं थर्टी टू ए टी पी फ्राम केमियामोसिस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू मॉलिक्यूल्स ए टी पी क्रैपसाइकल से एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी इन ग्लाइकोलाइसिस तो ये आ, हमारे पास थर्टी सिक्स ए टी पी जो है वो नेट प्रोड्यूस हुए हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्परेशन जी बच्चे यहाँ आपको दिखाया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस में आप देखें कि आपके पास टू एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं क्रैपसाइकल में टू एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं केमियोसमोसिस में थर्टी टू ए प्रोड्यूस हुए हैं ठीक है, है? आ, जो केमी में क्रैफ्ट uh, साइकिल में हमारे पास एन या एफ प्रोड्यूस हुए हैं ये फर्दर इनकी जो है वो ब्रेकडाउन होती है और ब्रेक डाउन के बाद जो है ये ए जनरेट करते हैं एक एन की ब्रेक डाउन से एन टू के मॉलिक्यूल uh, की ब्रेक डाउन से हमारे पास टू पॉइंट फाइव ए के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और इसी तरह से एक एफ टू के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन से हमारे पास वन पॉइंट फाइव ए टी पी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं तो इन सब को आप देख सकते हो कि क्रैफ साइकिल में हमारे पास कितने एन ए डी एच प्रोड्यूस हुए हैं आपके पास जो है क्रैफ साइकिल में थ्री ए टी थ्री एन ए डी एच के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं और वन एफ ए डी एच टू का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है ठीक है इनको आप काउंट करें और बाकी जो ओरिजिनल एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको काउंट करें तो ये हमारे पास थर्टी सिक्स ए के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहे ये ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन की अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन क्या है सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओवरऑल जो है इसकी क्वेश्चन दिखाई हुई है कि एन है हाइड्रोजन आइन्स हैं प्रोटॉन्स हैं ठीक है, है hydrogen, आ, और थ्री ए डी पी और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हुई है और थ्री ए टी पी के मॉलिक्यूलर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हुआ एम सी की आ जाता है कि व्हाट इज़ दी एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन तो वो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का मॉलिक्यूल है ठीक है और ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है बाई दी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कम्बाइंड विद ऑक्सीजन एंड जनरेट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ठीक है तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नेक्स्ट आपको लास्ट में इस डायग्राम में जो है वो फीडबैक मेकानिज़म दिखाया गया है फीडबैक मेकानिज़म क्या है कि वो प्रोसेस है जिसमें इनिशिएटिंग प्रोसेस इज इट्स सेल्फ कंट्रोल बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑन प्रोसेस यानी जो एक इनिशियल प्रोसेस है जो एक प्रोसेस कंटिन्यू है वो अपने ही प्रोडक्ट से जो है वो कंट्रोल कर दिया जाता है अब ये तो नहीं ना होता कि एक अगर फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस या साइकिल हो रहा है तो वो होता ही रहेगा ठीक है वो सेल uh, की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है मेटाबॉलिक ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहते हैं तो इनको जो है एक एक्टिवेट प्रोसेस को इनहिबिट कैसे किया जाता है उसके अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इस पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन का अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो क्या है एटीपी ठीक है यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि एटीपी की प्रोडक्शन ही इस प्रोसेस को इनहिबिट कर रही है कैसे इनहिबिट कर रही है बाय दी डीएक्टिवेशन ऑफ फॉसफो फ्रक्टोकाइनेज एन्ज़ाइम्स को डीएक्टिवेट uh, करके इस प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट किया जा रहा है ठीक है फॉसफो फ्रक्टोकाइनेज़ मैंने आपको बताया था कि जब ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोस सिक्स फॉसफेट फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉसफेट में कन्वर्ट होती है तो इसका जो एंजाइम है वो है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज तो ए टी पी की ज़्यादा जो प्रोडक्शन uh, है वही फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करती है कि फ़र्दर जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए इनहिबिट हो जाए ठीक है तो आ, फ्रा, आ, ये फ्रक्टोज का फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो इट मीन्स के पायर जनरेट नहीं होगी पायरुवेड जनरेट नहीं होगी तो इट मीन्स के वो साइकिल में एंटर नहीं होगी और साइकिल भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया ठीक है तो ये फीडबैक मैकानिज़म है समझ आ गई है कि अपना ही जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वही ऐसा जो है स्टिम्युलस एक्ट करता है कि फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर दिया जाए ठीक है ये दोबारा से एक्टिवेट होगा डिपेंड ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ सेल ठीक है यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि इसी तरह से जो एन है वो भी इनहिबिटर के तौर पर इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इसकी इनहिबिशन के लिए एक्ट कर रहा है ठीक है फिर फर्दर जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो आ, जो है नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा क्यूमुलेट हो जाए तो वो इस स्टेप को दोबारा से इनिशिएट एक्टिवेट कर सकता है ठीक है तो फीडबैक मेकानिज़म की आपको समझ आ गई है कि क्या है कि वो प्रोसेस है जिसमें अपने ही प्रोडक्ट एक ही स्टेप के प्रोडक्ट जो हैं वो ही उसको उस प्रोसेस की प्रोडक्शन को या उसकी एक्टिवेशन या उसकी इनहिबिशन को कंट्रोल कर सकते हो ठीक है स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस सारे सेलुलर एस्पारेशन की समझ आ गई है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे हमने स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट में भी बात की थी कि इस चैप्टर का हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपने क्या करना है कि इस पूरे सेलुलर रेस्परेशन के प्रोसेस में जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है वो काउंट करके एक चार्ट की फॉर्म में रिटर्न फॉर्म में ये आपके असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट की बेस पर मैंने आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क करनी है ठीक है आपने जो है टोटल एटीपी की प्रोडक्शन टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी कितने इस पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में जनरेट हुए हैं वो आपने मुझको सेंड करने हैं मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि टू जो नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस है वो टू है इसी तरह से साइकिल में टू है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जो है थर्टी टू ए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने हैं लेकिन आपने मुझे बताना है कि थर्टी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ़ एटीपी कैसे प्रोड्यूस हुए ठीक है ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि एन या एफ जो कोएंजाइम्स हैं ये भी इनकी भी ब्रेक डाउन होती है और ये भी ए जनरेट करते हैं ठीक है सो so, आप जो है ये मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे और इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो आप लोगों ने मुझे डेली आपने जो है ना मुझे मैं आपको टॉपिक देती हूँ आपने पहले फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल से क्लोरोफिल का टॉपिक और रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है जिसमें लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन केमीओसमोसिस तक जो है आपने इस टेस्ट को जो फर्स्ट इसका टेस्ट का पार्ट है वो प्रिपेयर करना है ठीक है मैं नेक्स्ट क्लास में जो है पहले आपसे एम सी क्यूज़ की फॉर्म में जो है टेस्ट लूँगी और फिर आगे जो है हम स्टडी करेंगे और एम सी क्यूज़ भी आपने खुद बनाने हैं ठीक है थीके? कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप लोग जो है ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन विद इन क्लास टाइम ओके थैंक यू